पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवानों को दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिवार ने सोमवार को कैंडल मार्च निकालकर विनम्र श्रद्धांजलि दिया। महाविद्यालय की छात्राओं ने कहा कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन पाकिस्तान ये समझ जाए कि देश की बेटियां भी झांसी की रानी हैं, वो जरूरत पड़ने पर दुर्गा और काली का रूप लेकर इन सबका सर्वनाश कर सकती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कॉलेज की छात्रा मानसी यादव और DVNPG के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, घटना है पुलवामा में हुए जिस आतंकी हमले से हमारे शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान ये समझ जाए कि इस देश के बेटे ही नहीं, इस देश की बेटियां भी एक झांसी की रानी है, वो समय पड़ने पे दुर्गा और काली का रूप ले सकती है और सबका सर्वनाश कर सकती है। इसलिए पाकिस्तान सजग हो जाए, जो किया है उसके लिए वो बहुत ही दर्दनाक घटना है और उसकी सजा उसको मिल के रहेगी। पाकिस्तान में घुस के मारना पड़े तो भी लड़कियां किसी से कम नहीं है, झांसी की रानी है हम लोग। ये बच्चियां जो हैं वो दिग्विजयनाथ PG कॉलेज की महिला छात्रावास की हैं। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है, आज पूरा देश आक्रोशित है, गुस्से में है, दुख है, और ये बच्चे, इन्होंने भी कई बार कहा कि नहीं, हम लोग भी कैंडल मार्च निकालेंगे, हम भी उन शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, और उसी क्रम में ये यहाँ तक आए हैं कैंडल मार्च करते हुए। और शहीदों के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसको देने के लिए हम सभी तैयार हैं, हमारे बच्चे भी, उनका भी ये कहना है कि सर हम लोग भी डोनेट करेंगे, जो शहीदों तक वो पैसे पहुँचे, वो सहयोग पहुँचे, और जो भी ज़रूरत होगी देश के लिए, चाहे वो ब्लड डोनेशन का हो, चाहे अन्य कंट्रीब्यूशन का हो, वो सब कुछ करने के लिए हमारे छात्राएं, हमारे युवा, हम लोग सभी तैयार हैं। तो ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि के लिए हम सभी आए हुए हैं और नमन करते हैं अपने